करवाना नहीं था अभी इस टाइम, मुझे कैपेसिटर में करवाना था, बट प्रॉब्लम ये है कि अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो इसमें मुझे सेल्फ एनर्जी निकालनी है। तो अगर मुझे इस, पहले मैंने सेल्फ एनर्जी किसकी निकाली, शेल की, अब मैं किसकी निकाल रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर की, तो इसकी एनर्जी की कैलकुलेशन में मेरे को एनर्जी डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मेरे को बताना पड़ा। पर प्रूफ जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला देख लें, फॉर्मूला आपको याद होगा एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके ऊपर ये सपोज आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो चार्ज होता नहीं, तो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मैंने इस पर कितना चार्ज भरना है अभी, कैपिटल क्यू, मैं फाइनली ये चाहता हूँ कि ये हो जाए, पहले इसमें कोई चार्ज नहीं था, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्यू चार्ज भर दूँ मैं। अब जब मैं इसके अंदर क्यू चार्ज भरूंगा, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा अंदर, क्योंकि एक सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ई प्रेजेंट होता है, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर ई प्रेजेंट होता है, मानते हो। अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर भी प्रेजेंट है, ये देखो बाहर भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सॉलिड स्फीयर के बाहर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी है, इसका मतलब सेल्फ एनर्जी दो वजह से होगी, सॉलिड स्फीयर के अंदर एनर्जी अलग होगी और सराउंडिंग में एनर्जी अलग होगी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी सॉलिड स्फीयर की, सेल्फ एनर्जी, अंदर की एनर्जी प्लस बाहर की एनर्जी, टोटल एनर्जी ऐड करेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। अब बाहर की एनर्जी निकालने की मेरी कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जो शेल का जो फॉर्मूला था वो आपको अंदर की एनर्जी तो देता नहीं था, वो आपको क्या देता, सिर्फ बाहर की एनर्जी, क्योंकि शेल के अंदर ई क्या होता था, जीरो, शेल के अंदर ई कहां होता था, सिर्फ आउटसाइड होता था, तो बाहर की तरफ ई की वैल्यू है, तो इसीलिए मैं एनर्जी एनर्जी की वैल्यू निकालूंगा ड्यू टू आउटसाइड और एनर्जी की वैल्यू निकालूंगा ड्यू टू इनसाइड। आउटसाइड की एनर्जी तो मैंने वही यूज कर दी जो मैंने शेल की निकाल ली थी, और शेल की एनर्जी अभी हमने प्रूफ किया था, शेल की एनर्जी क्या थी, ये एनर्जी थी, तो आधा काम तो मेरा हो गया, शेल ने कर दिया, आधा काम मैं खुद करूंगा सॉलिड स्फीयर के अंदर एनर्जी निकाल लूंगा। तो अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर एनर्जी निकालनी है तो इस पूरे स्फीयर के दो रीजन कर लिए, ये पिंक कलर का एक्चुअल स्फीयर है, इसके अंदर का रीजन टू नंबर रीजन है और बाहर का रीजन वन नंबर रीजन है, तो रीजन वन यानी कि बाहर के रीजन में एनर्जी का ये फॉर्मूला डन, अंदर रीजन नंबर टू में एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा, एक सॉलिड स्फीयर किससे बना हुआ है, शेल से, एक कोई भी शेल कंसिडर कर लो, ये मैंने अंदर का शेल कंसिडर कर लिया जिसका रेडियस क्या है x, जिसकी थिकनेस क्या है dx, इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, ये जो शेल है ये जो वॉल्यूम है इसका अंदर का, ये वाला वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू इसकी थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस इसका वॉल्यूम है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें एनर्जी डेंसिटी यूज करूंगा, एनर्जी डेंसिटी किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, ये फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इनसाइड का स्क्वायर जो भी है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस पोर्शन के वॉल्यूम से, तो ये शेल का वॉल्यूम निकाल लिया मैंने, जो क्योंकि सॉलिड स्फीयर शेल से बना हुआ है, पहले मैं शेल की एनर्जी निकालूंगा, फिर सभी शेल को ऐड करके सॉलिड स्फीयर की एनर्जी आएगी। तो एक सॉलिड स्फीयर के अंदर एक शेल लिया और उस शेल की एनर्जी डेंसिटी को उस शेल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस शेल की क्या आ गई, एनर्जी। ऐसे हमने सभी शेल्स को ऐड करना है, तो क्या करना है, इंटीग्रेट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर हमने गॉस थ्योरम में निकाला था, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, वो भी यूज कर सकते हो, या ये भी यूज कर सकते हो, ये भी किया था, जैसे मर्जी कर लो, करना कुछ नहीं है आपने, ना ये करना है ना वो करना है, सिर्फ देखना है। तो अगर आप ऐसा करें और इसे इंटीग्रेट करें जीरो से कैपिटल आर, आपने कुछ नहीं करना, तो आपको सॉलिड स्फीयर के अंदर की एनर्जी पता लग जाएगी। अब बाहर की एनर्जी कितनी थी रीजन वन में, ये थी, अंदर की एनर्जी कितनी आ गई, ये आ गई,
दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, ऐड करेंगे तो आंसर 3/20 टाइम्स आएगा। आपने सिर्फ यही याद करना है, 3/20 टाइम्स क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। प्रूफ नहीं करना, आपको जरूरत नहीं है प्रूफ की, सिर्फ समझाने के लिए बताया कि कैसे प्रूफ करना है, पर अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर कोई न्यूमेरिकल सेल्फ एनर्जी के ऊपर आया, एक शेल की और एक सॉलिड स्फीयर की, दोनों के ऊपर ही आते हैं और कुछ नहीं आता। ऐसे तो डिस्क की भी होती होगी, रिंग की, पता नहीं किस किस की होती होगी, हम सबकी थोड़ा करेंगे, पर आपको ये बता दिया कि शेल और स्फीयर सबसे फेमस है और ये दो फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं।